असम में ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है। ये मामला भी बिल्कुल फिल्मी है। बंटी और बबली तो आपने देखी ही होगी, अब रियल लाइफ बंटी बबली की ये ठगी चर्चाओं में है। जी हाँ, एक लेडी सिंघम हाल ही में काफी सुर्खियों में रही। वजह थी ईमानदारी। जी हाँ, ऐसी ईमानदार थी असम राज्य पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर जुनमणि राभा, जिन्होंने ठगी के आरोप में अपने मंगेतर को ही गिरफ्तार करवा दिया था। लेकिन अब इस स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आया है। जी हाँ, मंगेतर को गिरफ्तार करा ईमानदार अधिकारी की छवि बनाने वाली ये सब इंस्पेक्टर अब खुद ठगी के मामले में सलाखों के पीछे हैं। जी हाँ, पुलिस की वर्दी पहनकर अपने मंगेतर के साथ मिलकर इस महिला पुलिस अधिकारी ने ठगी का ऐसा खेल रचा था कि जिसका खुलासा होने पर हर कोई हैरान है। दरअसल इस कहानी का क्लाइमेक्स कुछ ऐसा है। सब इंस्पेक्टर राभा एक साल से ज्यादा समय से राणा पोगाक के साथ रिश्ते में थी। इतना ही नहीं, बीते साल अक्टूबर में दोनों ने सगाई भी कर ली थी। राणा खुद को तेल और प्राकृतिक गैस निगम का जनसंपर्क अधिकारी बताता था। अपने पद का प्रभाव जमाते हुए वो लोगों को नौकरी लगवाने का प्रलोभन देता था। इसके बाद दोनों मिलकर ठगी को अंजाम देते थे। जानकारी के मुताबिक इस तरह दोनों ने लाखों रुपयों की ठगी की थी। बीते दिनों मिली एक शिकायत के चलते सब इंस्पेक्टर से दो दिनों तक पूछताछ चली थी, जिसके बाद खुलासा हुआ कि सब इंस्पेक्टर भी कथित रूप से अपने मंगेतर के अपराधों में भागीदार थीं, जिसके बाद अब उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।